प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाएगी तो आपको उस पर स्कोर करने में जो ताना मत, जैसे आप टेस्ट दे रहे हो बस सिंपली वैसे ही फॉलो करना है, वैसे ही आपको एग्जाम देना। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है ऋतिक और आज हम क्या देखेंगे, तो आज थोड़ी साउंड आ रही होगी बाहर से, उसको आप इग्नोर करिएगा। आज हम क्या बताने वाले हैं कि पेपर कैसे सॉल्व करना है अपने को, क्योंकि अब बस बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, अब 23 से एग्ज़ाम स्टार्ट है और आज 21 हो गया, तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना, बस ये सोचना है कि पेपर कैसे देना है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आपने टेस्ट दिया होगा, इतने दिनों में टेस्ट तो दिया ही होगा और बहुत अच्छे टेस्ट दिए होंगे, और हमको पता है कि आपको बहुत अच्छे नंबर आ रहे होंगे, तो टेस्ट में जैसे आप टेस्ट दे रहे हो बस सिंपली वैसे ही फॉलो करना है, वैसे ही आपको एग्ज़ाम देना है। ये मत सोच के जाना ज़्यादा एक्स्ट्रा कि भाई एग्ज़ाम होगा, मतलब फाइनल एग्ज़ाम है, कैसे क्या होगा, वो सब ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। बस ये सोचना है कि जैसे अपन टेस्ट देते हैं वैसे ही टेस्ट देंगे और अच्छे से देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन देखेंगे कि छोटे छोटे पॉइंट्स देखेंगे आज की, जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो हमको क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं और हमको उसको कैसे सॉल्व करना है, और हमको बेस्ट वे क्या होना चाहिए ताकि पेपर को सॉल्व करने के, ताकि मैक्सिमम स्कोर हम कर सकें। तो सबसे जो अपन होता है ना, कि मैं अपना बताता हूँ, तो मेरा क्या था कि मेरे को केमिस्ट्री में ठीक ठाक आती थी, तो केमिस्ट्री जो था हमारा वो पहले कर लेता था, क्योंकि मेरी मैथ्स और फिजिक्स वीक थी। मैथ्स तो फिर भी थोड़ा हमारा ठीक था, बट फिजिक्स मेरी बहुत वीक थी, तो मैं क्या करता था ना, पहले मैथ्स अति पहले केमिस्ट्री कर लेता था, फिर मैं मैथ्स करता था, फिर फिजिक्स करता था। तो मेरा प्रायोरिटी शुरू से लेकर जितना तक टेस्ट दिए मैंने, लगभग मतलब मैंने जब मोशन ज्वाइन करा था कोटा जाने के बाद, उसके मतलब उसके 2-3 टेस्ट के बाद जो होता है, मैंने एक ही स्ट्रैटेजी अपनाई कि पहले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यही मेरे को देना था। और उसके बाद जितने भी टेस्ट हुए हैं, मतलब लगभग बहुत सारे होंगे, 100+ टेस्ट दिए होंगे मैंने, और सारे टेस्ट में मैंने एक ही चीज़ फॉलो करा, पहले केमिस्ट्री फिर मैथ देन फिजिक्स। इसमें मेरे को ना इस ये स्ट्रैटेजी से मेरे को कुछ कुछ फ़ायदा भी हुआ और कुछ इसके नुकसान भी हैं। जैसे कि मैं पहले फ़ायदा बताता हूँ, आप जब मतलब एक केमिस्ट्री ये एक स्ट्रैटेजी पे रहोगे हमेशा, तो आपको इस पे ना प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो आपको उस पे स्कोर करने में जो होता है ना, मतलब जब एग्ज़ाम दोगे और सेम पैटर्न को फॉलो करोगे, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको सिंपली लगेगा कि हम जैसे टेस्ट दे रहे थे वैसे ही हमारा एग्ज़ाम हो रहा है। तो उसमें ना आप ज़्यादा फ्री हो गए और आराम से टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम दोगे, क्योंकि आपके इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि आप पहले से इतने प्रैक्टिस करके जाते हो कि आपको ऐसा फील नहीं होता कुछ। और दूसरी बात जो होती है ना, आपको स्कोर बहुत अच्छा कर सकोगे, क्या है कि आप इतने सारे टेस्ट दिए, 100+ टेस्ट दिए होगे, एक ही पैटर्न पे अगर आप टेस्ट दोगे तो आपको आदत सी हो जाती है कि भाई पहले केमिस्ट्री करनी है। और टाइम एक लिमिट होता है, 3 घंटा तो टाइम लिमिट होता है अपने एग्जाम का, तो उस टाइम में ना आप बांट लेते हो कि इतने टेस्ट में, कि अगर हम केमिस्ट्री में 2.5 घंटे दे रहे हैं, 45 मिनट दे रहे हैं, तो बस उतना फिक्स है, उससे 1 मिनट ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर पेपर कोई ये हो गया, अब नॉर्मल पेपर आ गया, मतलब पेपर थोड़ा टफ हो गया केमिस्ट्री की, तब ऐसा वो मतलब उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, बट अगर वो तो उस समय चलता है। बट अगर पेपर नॉर्मल आए, जैसे हमारे टेस्ट पेपर होते थे, तो हमको 45 मिनट अगर केमिस्ट्री में लगता है, 40 मिनट केमिस्ट्री में लगता है, तो उससे ज़्यादा टाइम हमको उसमें नहीं लगना चाहिए। तो ये हुआ दूसरा बात जो होता है, उसके बाद जो था हम क्या सॉल्व करेंगे फिर मैथ्स में, अगर हमारे 1 आवर 25 मिनट्स दे रहे हैं तो हमको उतना से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो ये जो था हमारा स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ताकि जो होता है मतलब पेपर में आप ये सब जो था हमारा फ़ायदा होता है अगर आप एक ही स्ट्रैटेजी को बार बार अपनाते रहते हो ये। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, अगर मान लीजिए मेरे को बाद में फील हुआ कि इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, कि मैंने एक ही पैटर्न पे पूरे साल टेस्ट दिए, उसके बाद फिर कुछ चेंज नहीं करा। अब मैंने चेंज क्यों नहीं करा, कि मेरे को डर लगता था अगर मैंने इस बार चेंज करके देखा, अगर मेरे नंबर कम आ गए और दूसरे के नंबर ज़्यादा आ गए तो क्या होगा मेरा, मतलब ये नॉर्मल जो बात होती है जब अपन प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो ये हमारे मन में भी होती है। सेम मेरे वही चीज़ मेरे मन में भी था कि अगर हम पैटर्न चेंज करें, फिजिक्स अगर हम केमिस्ट्री बना रहे पहले, अब भी हम पहले फिजिक्स बना लें या मैथ्स बना लें, तो हमारे नंबर पे अफेक्ट होंगे, और नंबर पे अफेक्ट होंगे तो फिर ये क्या होता है ना, कि आपको प्रिपरेशन करने का मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। तो इसलिए ना उसके चक्कर में मैंने कभी अपना पैटर्न चेंज नहीं करा, कम आए नंबर ज़्यादा आए नंबर फर्क नहीं पड़ता, बस एक ही पैटर्न अपनाना है, केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स मेरा ये था। बट इसके मैंने जैसे बताया कि कुछ फ़ायदे भी थे और कुछ नुकसान भी है। नुकसान कैसा है कि अगर आपको मान लीजिए हमने ऐसा मैथ्स केमिस्ट्री मैथ्स फिजिक्स दे रहा था, बट कुछ दिनों के बाद अगर हमको ऐसा मतलब फिजिक्स और मैथ्स और केमिस्ट्री दे रहे हैं, उसके बाद हमको पता चला कि हमको इस पैटर्न में मतलब पहले फिजिक्स फिर मैथ्स फिर केमिस्ट्री में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, तो हम क्यों ना फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री को पहले करें, बट
हमारे मन में था ना कि हमने कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि हमको डर लगता था कि नंबर कम आएंगे, नंबर कम आएंगे, क्योंकि मुझे डर बहुत लगता है ये सब चीज़ से, तो मैंने इसलिए उसको ट्राई नहीं करा। लेकिन आपने पहले अगर करा है ट्राई और आपको जो बेस्ट लगता है कि आपको मतलब पहले फिजिक्स करते हो या पहले केमिस्ट्री करते हो, पहले जो भी पहले करते हो, अगर उससे आपका नंबर स्कोर बहुत बढ़ रहा है, मतलब उससे अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो आप वही पैटर्न को फॉलो करना। और जो पैटर्न आपने एक बार अपनाई जिसमें आपके नंबर अच्छे आ रहे होंगे, उसको कंटिन्यूअस करते रहना। ये पहले बार एक्सपेरिमेंट कर लो 2-3 बार कि पहले इसको करते हैं फिर इसको, पहली बार एक्सपेरिमेंट, लेकिन बाद में जब टाइम नज़दीक आने लगे मेंस का, तब आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करनी है। तो आपको जो इसका कंक्लूजन क्या है कि जो आप टेस्ट में दे रहे थे जैसे पेपर, सेम पेपर आपको इसमें भी देना है। अब तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि पेपर कैसे देने हैं। आपको पता चल गया कि जो आप टेस्ट में देते हो अब वो आपको वैसे ही जो होता है हमारा फाइनल पेपर में भी एग्जाम देना है। बट इसके चांस मतलब जैसे टेस्ट में नंबर आ रहे थे या जैसे टेस्ट में क्वेश्चन आ रहे थे और जो फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, नंबर आएंगे, मतलब क्वेश्चन आएंगे, वो सेम 90% तक सेम हो सकते हैं। मतलब जो होता है जिसका लेवल आप टेस्ट का लेवल जो दे रहे हो वो, और जो मेंस में फाइनल एग्जाम में नंबर मतलब क्वेश्चन आए, उसके 90% चांसेस है कि दोनों का लेवल सेम हो। बट क्या होता है ना कि कभी कभी अगर एडवांस में, जैसे ये खासकर एडवांस में होता है कि अगर कभी कभी मेंस में अगर लेवल हाई हो गया, मतलब मान के चलो आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, आपने केमिस्ट्री से शुरुआत करी, बट अगर क्या होता है कि अगर केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आ गए आपसे नहीं हो रहे हैं, तो हम क्या होता है ना डिप्रेशन में चले जाते हैं। मतलब डिप्रेशन मतलब उस समय हमको बहुत टेंशन होने लगती है, अब हमारा पेपर ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी कब, जब हम जनवरी का पेपर दे रहे थे, तब तो मेरा अच्छा था, तब आराम से हो गया था पेपर, ठीक ठाक पेपर थे। बट जब हमारा जब ये लास्ट वाला सेकेंड वाला एग्जाम दिया था मैंने मेंस का, उस वक्त क्या हुआ था कि मेरे को केमिस्ट्री दे दिया था, फिर मैथ्स आए थे, मैथ्स में मेरे कुछ क्वेश्चन हो नहीं रहे थे, तो मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई, यार क्या होगा, कैसे होगा, मेरे नंबर बहुत कम हो जाएंगे, ऐसा वैसा कुछ। फिर मैंने क्या करा ना कि 2 मिनट आराम, 2 मिनट नहीं मतलब 10 सेकेंड आराम से ऐसे कर आँख बंद करा और नीचे लेट गया, नीचे लेट गया, और फिर थोड़ी पानी पी लिया, बस चिल। उसके बाद फिर जो होता है मैंने फिर से ये पेपर करना स्टार्ट करा, तो फिर मेरा हो गया। एक्चुअली थोड़े नंबर कम आए थे मेंस जो जनवरी वाले में आए थे उससे थोड़े कम थे सेकंड वाले में, बट लेकिन सही था। तो आप उसको सही कर सकते हो कि ये चीज़ होती है, बहुत अक्सर होती है कि आपको पेपर को क्वेश्चन देख के, मतलब कुछ अगर 1-2 क्वेश्चन नहीं बना ना, तो हम ये हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं कि यार हमसे नहीं होगा, हमारा पेपर ख़राब हो जाएगा, वो चीज़ आपको नहीं होनी है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप 1 क्वेश्चन को छोड़ के दूसरे क्वेश्चन करो। आप इस बार से तो शायद 5 ऑब्जेक्टिव भी होंगे, मतलब ये सब्जेक्टिव वाले में तो आपको ऑप्शन होंगे ना कि शायद कि 5 5 ही बनाना है, तो ऐसे आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो आप उसमें ढूंढ सकते हो, एक नहीं बना दूसरा बनाएंगे, दूसरा नहीं बना तीसरा बनाएंगे, और वो ये ऐसा चिल होके जाना है, मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। हाँ बट टेंशन लेना है, क्योंकि बिना टेंशन का कुछ नहीं होता, तो टेंशन तो लेना है बट लेकिन उतना टेंशन नहीं लेना। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और जो जो बातें बताई आपको समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। तो मेरे तरफ से आपके मेंस के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा और अच्छे नंबर आएंगे आएंगे तो मेरे को भी खुशी होगी। और एक चीज़ और कि मैं सोच रहा हूँ कि जो मेंस का अगर थर्ड को है, पहला शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, अगर मेरे को क्वेश्चन मिल जाए केमिस्ट्री का, तो मैं उसके सामने क्वेश्चन सॉल्यूशन भी डाल दूंगा या कहीं से ऐसा करके मैं हर एक पेपर का सॉल्यूशन भी डाल दूंगा। तो देखते हैं, अगर मिल जाएगा मेरे क्वेश्चन तो मैं हर शाम को मैं सॉल्यूशन भी डाल दूंगा केमिस्ट्री के, कैसे मतलब सॉल्व करके बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है, तो मैं वो भी कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है और चैनल भी बनाया है, वहाँ पे बहुत सारे कंटेंट आपको मिलेंगे चैनल पे, और ग्रुप पे कोई भी डाउट हो आपको तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में भी मेरा टेलीग्राम का लिंक होगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो तब तक के लिए बाय।